हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा होममेड एगलेस चॉकलेट आइसक्रीम बनाने वाले हैं। आज हम 1 लीटर दूध से 2 किलो जितनी आइसक्रीम तैयार करने वाले हैं। यह आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की तरह एकदम क्रीमी, सॉफ्ट और फ्लफी, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसमें से 1.5 कप दूध मैंने ग्लास में ले लिया है। हाई फ्लेम पर दूध का एक उबाला आने देंगे और बीच बीच में हम दूध को हिलाते रहेंगे। दूध वही है जो 1 लीटर दूध में से हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया था। ये है शुगर, 1 कटोरी है, और अगर आप वेट करेंगे तो 150 ग्राम है। और ये है ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, 1/4 कप, जो हम कॉफ़ी वगैरह पर स्प्रेड करते हैं वही चॉकलेट पाउडर है ये। 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने GMS पाउडर, बिल्कुल लेवल कर लें इसको आप, और 2 टेबल स्पून ले लें। और 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने, सॉरी 1/2 टीस्पून लिया है मैंने CMC पाउडर, 2.5 ml वाला जो 1/2 टीस्पून है उससे मैं ये बता रही हूँ आपको। और ये हमें इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा हमें यूज़ में नहीं लेना है। अब एक बाउल में हम चीनी को छोड़कर सारे पाउडर मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे दूध डालकर अच्छा सा इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। सभी पाउडर को दूध में मिक्स करके अच्छा सा घोल मैंने तैयार कर लिया है। लेकिन कभी कभी इस तरह के अगर लम्स रह जाते हैं इसमें, तो एक बार हम इस घोल को छान लेंगे। जिस चटनी से हम जूस छानते हैं उसी से हम छानेंगे, क्योंकि आइसक्रीम का हमें एकदम क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर देना है, इसके लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। छानने के बाद देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ और एकदम क्रीमी घोल तैयार हो चुका है। अब हम दूध की ओर चलते हैं। दूध का उबाला आ चुका है, इसी वक्त इसमें हम चीनी मिला देंगे। चीनी मिलाने के बाद एक उबाला आने देंगे हाई फ्लेम पर ही, फ्लेम लो कर देंगे और 2 मिनट तक दूध को हम ऐसे ही उबलने देंगे, लेकिन बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूध में हमने जो घोल तैयार किया है पाउडर का, एक बार अच्छे से हिला लेंगे और धीरे धीरे करके इसे दूध में डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम दूध को हिलाते जाएंगे। फ्लेम हाई करेंगे और उबाला आने देंगे। उबाला आ चुका है, फ्लेम हम लो कर देंगे और 2 मिनट तक दूध को ऐसे ही हम उबलने देंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से किसी चौड़े बर्तन में लेकर पंखे के नीचे या एसी में, जैसे भी आप ठंडा करना चाहें, कंटिन्यू हिलाते हुए इसे हमें ठंडा करना है, क्योंकि इसके ऊपर लेयर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम में आइस आ जाएगा। आइसक्रीम के बैटर को मैंने अच्छे से ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में ले लिया है, इसे कवर कर देंगे और करीब 5 घंटा, जब तक कि आइसक्रीम अच्छे से थोड़ी सेट ना हो जाए तब तक इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। इंग्रेडिएंट्स अभी और भी हैं, मैं आगे आपको साथ में बताती जाऊँगी, और इंग्रेडिएंट्स के लिए डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। 6 घंटे के बाद आइसक्रीम फ्रीज़र में अच्छे से सेट हो चुकी है। सेट होने का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि फ्रीज़र का सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब आइसक्रीम के इस तरह से हम रफली फ्रीज कर लेंगे और इसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। आइसक्रीम को कि मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है। अब हम लेंगे 1/2 कप मलाई। मलाई को थोड़ा सा चम्मच से हम अच्छे से स्मूथ कर देंगे।
मलाई को हम आइसक्रीम में मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हम चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून, अब आइसक्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। 12 मिनट कंप्लीट लगते हैं बीट करने में, बीट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए हम रुकेंगे फिर बीट करेंगे, इस तरह से 12 मिनट तक हमें बीट करना है। आप देख रहे हैं एकदम फ्लफी हो रही है आइसक्रीम और बहुत ही अच्छे से फूल भी रही है। आइसक्रीम को मैंने 12 मिनट तक बीच में थोड़ा सा रुक रुक कर बीट कर लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं जितना हमने दूध लिया था उसकी डबल आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। 1 लीटर दूध लिया था हमने और ये 2 लीटर की भगोनी है ये पूरी आइसक्रीम से भर गई है। और ये जो बॉक्स हमने लिया था इसी में हमारी आइसक्रीम सेट थी, लेकिन अब ये इसमें नहीं आएगी, हम बड़े बॉक्स में इसको सेट करेंगे। आइसक्रीम को मैंने बॉक्स में सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं और अदरवाइज इसे आप प्लेन भी खा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और जब हम आइसक्रीम को बीट करेंगे उसके बाद आइसक्रीम का कलर इस तरह से लाइट हो जाएगा। अब आइसक्रीम को हम कवर कर देंगे और ओवरनाइट इसे फ्रीजर में अच्छे से सेट होने देंगे। ओवरनाइट फ्रीजर में सेट करने के बाद आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। इसके ऊपर हेल्प से आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसे आइसक्रीम बनी है। चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है, थोड़े से हम चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऊपर से डेकोरेशन के लिए और इस पर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स नहीं है तो आप कोई भी डेयरी मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा होममेड एगलेस चॉकलेट आइसक्रीम बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगी। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और इंग्रीडियंट्स के लिए डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।